में हम एग्जामिन करेंगे कि जो गिवन नंबर दिए गए हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। वीडियो शुरू करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, रूट एम इज इरेशनल इफ एम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट m एक इरेशनल नंबर होगा। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है रूट 3/81। हम रूट 3/81 को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 9×9। अगर किसी भी नंबर का पेयर रूट के अंदर हो तो वो रूट के बाहर आ जाता है, तो इसका हो जाएगा √3/9। तो देखिए इस नंबर में रूट 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है। इसके रीजन को भी लिख सकते हैं, हेंस रूट 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इन दिस नंबर therefore it is an irrational number। 361, तो इसका हम पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। हम पहले इसको पेयर में बनाएंगे, फिर 1101 2 61 का स्क्वायर रूट 19 आया, तो हम लिख सकते हैं हैंस 360। हमें 361 का रूट 19 आया तो हम लिख सकते हैं हैंस रूट 361 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट के आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसके सारे आंसर्स को देख सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।